धर्मलाभ। और धर्मलाभ की ताकत, मैं एक जगह सुबह सुबह में बैठने के लिए गया जब आचार्य नहीं था, और जैसे ही अंदर बैठने के लिए धर्मलाभ करके गया, सुबह सुबह में पति पत्नी का जोरों से झगड़ा हो रहा था, और इतने इतने झगड़े हो रहे थे, पत्नी ने कहा आज से तुम मेरे पति नहीं हो, तब पति ने भी कहा तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान चल रहा था, एक में हाथ में बेलन था, दूसरे के हाथ में पकड़ थी, दोनों आमने सामने आ गए थे। जैसे ही धर्मलाभ किया, वो उन्होंने बेलन छोड़ दिया, उन्होंने सांसी पकड़ छोड़ दी, और जो श्राविका थी उन्होंने गुरु पधारिए पधारिए पधारिए, और वो जेंट्स था सीधा बाथरूम में चला गया। मैं किचन में जाकर पूछा, मैंने कहा बहन जी ये क्या सुबह सुबह में, बोले संसार है चलते रहता है। बोलो मुझे सिखाते हैं। अरे संसार असार है। अरे असार है इसलिए तो मैंने चरित्र लिया है, तू क्या सिखा रही है मुझे। मैंने कहा सुबह सुबह गुरुदेव क्या खापे बोलिए ना, दूध बेरा है, चाय बेरी, खाकरे बेरे, पापड़ की चूरी बेरी, हैंग बेर लियो। अने जीवो मैं जैसे ही मैं बाहर निकला, आजू बाजू वाले अड़ोस पड़ोस वाले आ गए, गुरुदेव हम सुबह सुबह से समझा कर थक गए थे, ये दोनों मानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप अंदर आए और सारे झगड़े खत्म हो गए, एकदम शांति बन गई। गुरुदेव वो तो विनती नहीं करते, लेकिन उनकी ओर से हम विनती करते, उनके घर पर रोज बैठने के लिए चले आ। देखो ये हमारा धर्म लाभ का लाभ होता है। बोला आऊ आपके घर पर आऊ, हाँ रामायण देखने को के महाभारत देखने को, हाँ मजा आती है। कमलेश भाई मैं तुम्हारी ट्रेजेडी कर रहा हूं, तुम कॉमेडी मान रहे हो। पहली शिविर है ना, अभी चार शिविर हाथ में है। सेठ चिंता में आ गए, मेरी चौथी पीढ़ी का क्या होगा। नींद खो गई, खाना पीना कम हो गया, और एक दिन गांव में संत आए, किसी ने कहा संत के पास जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रात को आराम से नींद नहीं आती, भूख नहीं लगी, पूरा मन चमन खो गया। दूसरे दिन संत के पास गए, संत ने कहा छोटी सी बात है, तुम्हारी समस्या का समाधान चुटकी लेते हुए मैं कर दूंगा, एक काम कीजिए कल सुबह में उठकर आपके महल के पीछे हवेली के पीछे झोपड़ी है, झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहती है, उसके पास भोजन सामग्री लेकर चले जाना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सेठ रात को आराम से सो गया, इतनी छोटी बात में समस्या का समाधान। दूसरे दिन भोजन की बड़ी थाली लेकर उसके घर पर गया, और उस समय झोपड़ी में बाहर छोटी सी बच्ची झाड़ू लगा रही थी, उसको पूछा बूढ़ी अम्मा कहाँ है। अंदर भगवान की पूजा प्रार्थना कर रही है, क्या काम है, भोजन की थाली लेकर आया हूं दे दीजिए, बोल देना हवेली वाले से लेकर गए। तब छोटी बच्ची ने कहा हमें भोजन की थाली नहीं चाहिए। क्यों, आज का खाना हमें मिल गया है, इसलिए आज का खाना खत्म हो गया, हमें आज को भोजन की थाली की जरूरत नहीं है। तब सेठ ने कहा आज भले आ गया, लेकिन कल के लिए काम आएगा। तब छोटी सी बच्ची ने जो जवाब दिया है, जवाब नहीं था लाजवाब था, छोटी सी बच्ची ने इतना ही कहा सेठ जी कल की चिंता हम नहीं करते, आज जिसने दिया है वो कल हमको देने वाला है, हम आज की आज चिंता करते कल की परवाह नहीं करते, आप आपकी थाली उठाकर ले जाइए। सेठ शब्द हो गया, एक कल की चिंता करने को राजी नहीं है, मैं आने वाले चौथी पीढ़ी की चिंता करता हूं। लीव द प्रेजेंट, नंबर वन फिजिकल वेलनेस, नंबर टू, नंबर थ्री सोशल वेलनेस। आप सोशल समाज में जीते हो, आपके जीवन में पारिवारिक व्यवस्थाएं होती है, पशुओं के जीवन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, न तो माता पिता होते हैं, न भाई बहन होता है, न चाचे भतीजे होते हैं, न सास बहू की कोई व्यवस्था होती है। कुत्ता अपने कुत्ती से पैदे हुए कुत्ती को भी उसके पास विषय वासना भोगने के लिए राजी होता है। पशुओं के जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल मनुष्य के जीवन में व्यवस्था होती है। तुम्हारे रिश्ते माता पिता के, भाई बहन के, सास बहू के, देवरानी जेठानी के, सारे रिश्ते, उसमें सोशल वेलनेस, पारिवारिक रिश्ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पारिवारिक रिश्ता यदि बेहतरीन रहे तो समझ लेना चाहिए आपकी सोशल वेलनेस ठीक है, तो आप बोल सकते हो मैं फाइन।
शरीर मजे में है तो बोल देना मेरी फिजिकल वेलनेस है, मन प्रसन्न है तो बोल देना मेरा, और आपका पारिवारिक रिश्ता मजे में है। आपको बताएं, लोग आज टच स्क्रीन रखते हैं, मोबाइल दिखाऊं तो जरा, मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, मोबाइल लाए हो तो ऊपर करो। बस बाकी सब बिना मोबाइल से आए, हाँ? हमारी महिलाएं सामायिक करती है तो भी थैली में मोबाइल डाल के आती है, और व्याख्या में ट्रीन ट्रीन बजने तो ऐसे हम चिपक के हम बंद कर देती है सामायिक में, हाँ? सच बोलो, लोग टच स्किन रखते हैं, लेकिन वास्तविक आपस आपस में आज टच में हो, वास्तविक टच में हो। जिस दिन से मोबाइल तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया, आपस आपस का जो सोशल वेलनेस थी वो खत्म हो गई।